Audio Jungle. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी कैंपस आगरा पर। तो मैं परसेंटेज आपको बहुत जो है पहले से पढ़ा रहा हूं, जिसमें चार पांच पांच क्लास में आपको करा चुका हूं। उन पांच क्लासों में मैंने परसेंटेज के कुछ में बेसिक कराया, उसके बाद परसेंटेज के धीरे धीरे कुछ टाइप कराए हैं। तो उनमें बेटा जो इनिशियल फाइनल वाला टाइप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। उसके बाद जो मैंने आपका सिक्स वीडियो में कराया है, सिक्स क्लास में कराया है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो भाग वाला है। तो ये जो है जो चीजें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए आप जो है उस चेन को ब्रेक नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब प्यारे विद्यार्थियों ये है कि आप पहली वीडियो से देखना स्टार्ट करें। अगर कोई विद्यार्थी नया जुड़ रहा है तो वो पहली वीडियो से देखना स्टार्ट करें, इस चेन को ब्रेक ना करें। पहला वीडियो, दूसरा, ऐसे करके बारी बारी से देखें, क्योंकि एक दूसरे से चीजें इंटरलिंक हैं। तो इसीलिए मैं आपको आज की क्लास में जो हम टाइप पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का, वो इसके जस्ट पीछे वाले टाइप से जुड़ा हुआ टाइप है। तो इसके पीछे मैंने आपको एक टाइप भाग वाला कराया होगा, पार्ट वाला। उसमें क्या होता था कि एक वैल्यू जो है वो कई वैल्यूज के जोड़ के बराबर होती थी। जैसे किसी व्यक्ति की आय बराबर होती है बचत प्लस खर्च के, ऐसे ही किसी व्यक्ति का खर्चा घर में दाल पर, चावल पर, उन सभी के जोड़ के बराबर होता है। तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था, वहां पर ये पढ़ा था कि उनमें से सभी में परसेंटेज चेंज दिया होगा, किसी एक में नहीं दिया होगा, उसमें हमसे पूछा होगा। यही चीज पढ़ी थी हमने पीछे वाले जो क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें। लेकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है वही चीज, लेकिन अंतर क्या है दोनों में और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं ये चीजें समझेंगे। फिर उसके बाद हम परसेंटेज के नेक्स्ट टाइपों के चलेंगे। तो आज आप देखेंगे जो मैंने कल आपको बताया था, एक थोड़ा सा बता देता हूं, उस वीडियो को इंटरलिंक करना, आज के क्वेश्चनों में उस चीज को जोड़ना भाई बहुत जरूरी है। इसलिए थोड़ा सा मैं उस वीडियो के जो मैंने पहले आपको टाइप बताया है उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, ठीक है? तो समझेंगे, देखो ध्यान से क्या है। मैंने आपको उसमें बताया था कि किसी भी व्यक्ति की इनकम बराबर होती है, वो व्यक्ति कितने रुपए खर्च कर रहा है और प्लस कितने की बचत कर रहा है सेविंग के। एसएबी का मतलब सेविंग और एक्सपेंडिचर, तो दोनों के जोड़ के बराबर होती है। या मैं इस चीज को कह सकता हूं कि किसी व्यक्ति की आय इनकम क्या है वो बराबर होती है, वो कितने रुपए खर्च कर देता है और इनकम में से खर्च को हटा दें तो बाकी की उसकी जो बचेगी वो उसकी हो जाएगी बचत। तो खर्च प्लस बचत जो है वो इनकम के बराबर होती है, मतलब कई चीजों, दो या तीन या चीजों का जोड़ जो है वो आय के बराबर होता है। ऐसे ही मान के चलो शहर की कुल जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन बराबर होती है शहर की जनसंख्या में पुरुष कितने हैं, मैन, या ये कह सकते हैं MEN, मैन कितने हैं और प्लस वुमेन कितनी हैं, जनसंख्या में महिलाएं कितनी हैं और पुरुष कितने हैं। तो यहाँ पर किसी भी शहर की कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन, हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, क्या करेंगे हिंदी में लिख के। तो इतना तो सबसे आता है कि पॉपुलेशन को भाई जनसंख्या कहते हैं, मैन को आदमी कहते हैं और वुमेन को महिला कहते हैं। जिसको इतना नहीं आता होगा वो तो कंपटीशन में आ ही नहीं सकता है। तो यहां पर ये हो गया, तो टोटल पॉपुलेशन बराबर मैन प्लस वुमेन। मेरे कहने का मतलब दो चीजों का या तीन या चार चीजों का जोड़ एक राशि के बराबर होता है। तो कल वाले टाइप में हमने क्या पढ़ा था, कल वाले टाइप में हमने ये पढ़ा था कि इसमें से किन्हीं दो में परसेंटेज चेंज दिया होगा। जैसे मैन में परसेंटेज चेंज दे दिया कि भाई आदमियों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, वुमेनों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, और एक में हमसे पूछेगा, जैसे टोटल पॉपुलेशन में हमसे पूछ लिया। या मान के चलो, या ऐसा हो सकता है कि इनकम में हमें परसेंटेज चेंज दिया हो और एक्सपेंडिचर में परसेंटेज चेंज दिया हो और सेविंग में हमसे पूछ ले,
तो हमें क्या करना होता था कि इनका रेशियो पता होना चाहिए था सबसे पहले, तो रेशियो बना लेते थे, जिनका परसेंटेज चेंज दिया उनका मल्टीप्लाई कर देते थे और आगे वाली वैल्यू को हम निकाल लेते थे। जैसे सेविंग का निकालना है तो सेविंग का निकल के आ जाता था, टोटल पॉपुलेशन का निकालना है तो टोटल पॉपुलेशन का निकल के आ जाता था। तो उसमें हम इस टाइप के क्वेश्चनों को हमने स्टडी किया था इससे पीछे के टाइप में। आज का जो टाइप है वो इससे बस रिवर्स है, जिसको हम कहते हैं रूल ऑफ एलिगेशन। तो आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो रूल ऑफ एलिगेशन पर आधारित पढ़ेंगे, और उन क्वेश्चनों को और किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है वो पढ़ेंगे। तो आज जो है, पहले जो इससे पीछे वाला टाइप था उसमें हमें रेशियो बनाना होता था, परसेंटेज का मल्टीप्लाई करना होता था, लेकिन यहां पर हमें रेशियो निकालना होगा, परसेंटेज हमें दिए होंगे। ये उस टाइप का जस्ट उल्टा टाइप है, कैसे वो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन से, मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा। तो बेटा पहला क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास का, आपको बोर्ड पर दिख गया होगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप पढ़ लेंगे और क्वेश्चन को समझ लेंगे। जब आपको यहां पर क्वेश्चन दिखता है तो आप उसको समझे और पढ़े, और मैं पढ़ के बताता हूं आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक शहर की जनसंख्या 6000 है, शहर की जनसंख्या दी है 6000, उसमें पुरुषों की संख्या में 5% वृद्धि हुई, मतलब अगले वर्ष वृद्धि हुई होगी, 5% वृद्धि हुई, और महिलाओं की संख्या में 9% वृद्धि हुई, तो इन वृद्धियों के बाद जनसंख्या बढ़कर 6500 हो जाती है। तो बताओ कुल जनसंख्या में आदमियों की जनसंख्या क्या होगी। तो देखो क्वेश्चन में पहले हमें पॉपुलेशन दी है कि एक शहर की जनसंख्या कितनी थी, फिर उसके बाद आदमियों की जनसंख्या में वृद्धि अलग दी है, महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि अलग दी है, और कुल पॉपुलेशन कितनी हो गई हमको ये दिया है उसने, ये चीजें दी हैं, और हमसे पूछा है कि बताइए उस जनसंख्या में पुरुष कितने थे। तो देखो थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं पहले क्वेश्चन को, पहले मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं, सॉल्यूशन तो मैं आपको बता ही दूंगा किस प्रकार से सॉल्यूशन होगा। तो देखो भाई पहला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एक शहर में या कहीं भी आदमियों की जनसंख्या कितनी है प्लस वुमेनों की जनसंख्या कितनी है, ये चीज हमको पता होनी चाहिए। मैं पहले ही दिन से क्लास में आपको बता रहा हूं कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट का मतलब है क्वेश्चन की पहचान करना कि क्वेश्चन को हमें किस तरीके से सॉल्व करना, ये चीज ही कंसेप्ट है। तो वही चीज आपको समझ में आनी चाहिए ताकि क्वेश्चन को आप देखें एग्जाम के अंदर, डायरेक्ट आपके माइंड में उसका तरीका आ जाए कि हाँ ये क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना है, तभी आप क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो मैन प्लस वुमेन बराबर होता है टोटल पॉपुलेशन। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या कहा है, इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि एक शहर की जनसंख्या 6000 है, तो एक शहर की जनसंख्या भाई हमें 6000 दी है, तो देखो प्रारंभिक जनसंख्या दी है 6000, उसके बाद उसने कहा है कि आदमियों की जनसंख्या में 5% से वृद्धि हुई, मतलब मेंस पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 5%, और महिलाओं की जनसंख्या में 9% से वृद्धि हुई, वुमेनों की जनसंख्या में 9% से वृद्धि हुई, तो 9% से वृद्धि, प्लस का मतलब वृद्धि, वुमेनों की जनसंख्या में 9% वृद्धि हुई, आदमियों की जनसंख्या में 5% वृद्धि हुई, तो इन वृद्धियों के बाद शहर की जनसंख्या बढ़कर 6500 हो जाती है, ये क्वेश्चन में कहा है। इसके बाद जो है शहर की जनसंख्या, ये जो है ये तो शहर की प्रारंभिक जनसंख्या है, मैं लिख देता हूं, ये जो 6000 है ये 6000 है पीआई पॉपुलेशन इनिशियल, और ये जो है ये है पॉपुलेशन नई न्यू, पीएन का मतलब नई जनसंख्या, पीआई का मतलब प्रारंभिक जनसंख्या। तो शहर की जनसंख्या पहले 6000 थी, जब आदमियों की जनसंख्या को 5% से बढ़ाया गया, जब आदमियों की जनसंख्या को 5% से बढ़ाया गया और महिलाओं की जनसंख्या को 9% से बढ़ाया गया, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन दोनों इंक्रीजमेंटों के बाद जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई वो हमको दिया है, तो जनसंख्या बढ़कर हो गई 6500। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन में इन दोनों में आपको परसेंटेज चेंज दिया होगा, दो दोनों चीजें जोड़ में है जो तीसरी के बराबर है, इनमें आपको परसेंटेज चेंज दिया होगा, और यहां पर प्रारंभिक और अंतिम जैसे इनकम होती है, मान के चलो आय होती और बचत और खर्चा होता, तो इन दोनों में परसेंटेज चेंज दिया होता, प्रारंभिक आय दी होती और नई आय दी होती, और आपसे पूछा जाता कि बताइए आदमियों की जनसंख्या कितनी थी और महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी, इनकी अलग अलग जनसंख्या पूछी जाती है और कुल जनसंख्या हमें दी होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है वो समझेंगे। तो
तो देखो सॉल्यूशन, ये तो हो गया पहचानना, क्वेश्चन की पहचान करना। ये चीज आपको बेटा एग्जाम में नहीं करनी है, ये जो चीज मैंने आपको बताई है, ये जो मैं कर रहा हूं, ये बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। आप चाहे तो इसको ऐसे करके अलग कर लिया करें, ये आपको समझाने के लिए है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा वो देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, सारे तरीके एक एक बार में एक एक तरीके से मैं समझाऊंगा, जिससे आपको अच्छा लगे वैसे कर लेंगे। तो देखो सॉल्यूशन में उसने कहा है कि एक शहर की जनसंख्या 6000 है, तो शहर की जनसंख्या सबसे पहले हम लिख लेंगे कि भाई प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन इनिशियल कितनी है। तो प्रारंभिक जनसंख्या उसने कहा है कि शहर की जनसंख्या जो है वो 6000 है। तो देखो 6000 जनसंख्या हो गई, तो शहर की जनसंख्या 6000 में दो लोग हैं, मतलब दो तरह की जनसंख्या है। दो तरह की जनसंख्या क्या है कि एक तो आदमी है, आदमी एम, मैन को मैं एम से डिनोट कर लेता हूं, और एक महिलाएं हैं, महिलाओं को मैं डब्ल्यू से डिनोट कर लेता हूं। तो यहां पर इन 6000 में, इस 6000 जनसंख्या में क्या होगा कि इस 6000 जनसंख्या में कुछ आदमी होंगे और कुछ महिलाएं होंगी। हमें पता नहीं है कितनी महिलाएं होंगी कितनी आदमी होंगी, वो हमें बताना है। लेकिन हमें पता क्या है, हमें ये पता है कि आदमियों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई है। तो इन दोनों को लिखने के बाद, महिलाओं को और मैन और वुमेन, तो इनमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि आदमी चाहे कितने भी हों उनमें वृद्धि कितने परसेंट से हुई है, तो वो कह रहा है कि 5% से वृद्धि हुई है, और महिलाओं की जनसंख्या में 9% से वृद्धि हुई है। तो महिलाओं की जनसंख्या में 9% से वृद्धि हुई है, तो इन दोनों वृद्धियों के बाद जो जनसंख्या है वो बढ़कर 6500 हो गई है। तो अब यहां से समझने वाली बात है, तो देखो बेटा यहां से आप ध्यान से समझेंगे चीजों को। 5% की वृद्धि हुई आदमियों की जनसंख्या में, 9% की वृद्धि हुई महिलाओं की जनसंख्या में। अगर मैं यहां से एक चीज देखूं कि अगर मुझे आदमियों और महिलाओं की जनसंख्या अलग अलग पता होती, मतलब जैसे इससे पहले वाले टाइप में हमें पता होती थी, इनका रेशियो पता होता था, जब इनका रेशियो पता होता था तो हम सीधा मल्टीप्लाई करके निकाल लेते थे कि नहीं निकाल लेते, लेकिन यहां पर नहीं पता। अगर हमें अलग अलग पता होती तो मैं 5% आदमियों की जनसंख्या का निकाल लेता, 9% महिलाओं की जनसंख्या का निकाल लेता, तो कुल जनसंख्या हमारे पास अपने आप पता लग जाता कितनी परसेंट बढ़ी। लेकिन यहां पर आदमी और महिलाओं की अलग अलग नहीं पता, तो यहां से हम क्या करेंगे, हमेशा इन दोनों जो परसेंटेज में वृद्धि हुई है महिलाओं और पुरुषों में, तो जिनमें जो बड़ा वाला परसेंटेज होगा उस परसेंटेज को हम तोड़ लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। कैसे, छोटे वाले परसेंटेज में 5% में और प्लस जितना बचेगा उसको लिख लेंगे अलग। सबसे पहले जो बड़ा परसेंटेज जिसमें ज्यादा वृद्धि हुई है, जिसमें ज्यादा प्रतिशत से वृद्धि हुई है, सबसे पहले उसको आप तोड़ लेंगे। तो उसको तोड़ लेंगे 5% और 4% में। मैंने क्यों तोड़ा, 5% क्यों लिखा, 4% क्यों लिखा, 5% जो लिखा है वो तो ये है आदमियों की जनसंख्या का परिवर्तन 5%, और ये जो 4% है ये 9 में से 5 को घटाने के बाद जो परसेंटेज बचा वो, तो 9 को मैं भाई 5+4 भी तो लिख सकता हूं, और 5+4 ही क्यों लिखा, क्योंकि आदमियों की जनसंख्या में 5% से वृद्धि हुई है। तो आपको सबसे पहले तो जो छोटी वृद्धि है उसको लिखना है, फिर उसके बाद जो बचेगा उसको लिखना है। अब मैंने इसको ऐसे लिखने से क्या फायदा कर लिया ये देखेंगे। ऐसे लिखने से मैंने ये फायदा कर लिया कि आदमियों की जनसंख्या में भी 5% वृद्धि हो रही है और महिलाओं की जनसंख्या में भी कम से कम 5% से वृद्धि तो हो ही रही है। इसका मतलब बाकी 4% से अभी हमें कोई मतलब नहीं है, इसको अभी आप भूल जाओ, बाकी 4% को आप भूल जाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आप बस ये चीज समझो, आप ये मान लो कि 5% से आदमियों की जनसंख्या बढ़ी है, और 5% से अगर महिलाओं की बढ़ी होती तो कुल जनसंख्या 5% से ही बढ़ती कि नहीं बढ़ती। देखो एक चीज ध्यान रखना कि अगर दो या तीन या तीन चीजों का जोड़ किसी तीसरी राशि के बराबर है और उन सभी में एक समान परसेंट से परिवर्तन करें तो उसमें भी समान ही परिवर्तन होगा। जैसे आदमी और पुरुषों की जनसंख्या को 10% से बढ़ाएं तो कुल जनसंख्या भी 10% ही बढ़ेगी। ऐसे ही 12% से बढ़ाएं तो कुल जनसंख्या भी 12% ही बढ़ेगी। ऐसे ही x% से बढ़ाएं तो कुल जनसंख्या भी x% ही बढ़ेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे m प्लस मतलब मैन प्लस वुमेन बराबर है टोटल पॉपुलेशन के, तो अगर इसमें भी 10% की वृद्धि की जाए
और यहां पर जो परसेंटेज यहां कर रहे हैं वही परसेंटेज यहां किया जाए 10% की वृद्धि, तो टोटल पॉपुलेशन में भी प्यारे विद्यार्थियों 10% की ही वृद्धि होगी। तो यहां पर अगर 5% की वृद्धि आदमियों की जनसंख्या में और कम से कम महिलाओं में भी 5% की वृद्धि हो रही है, तो अगर मैं कुल पॉपुलेशन में पहले 5% से वृद्धि निकाल लूं कितनी वृद्धि होगी, क्योंकि 5% ही आदमियों में हो रही है, 5% ही महिलाओं में, तो कुल जनसंख्या में भी 5% होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले कुल जनसंख्या 6000 में आपको देखना है कि 5% ये वाला जो 5% है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आदमियों में 5% हो रही है, महिलाओं में भी 5% हो रही है, तो इन दोनों की वजह से कुल जनसंख्या 5% बढ़ जाएगी। तो 6000 पर 5% बढ़ाएंगे तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू उठती है 1/20, 20 से कैंसिल करेंगे 3 बार कट जाएगा, तो ये जनसंख्या बढ़ जाएगी 300। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ये महिलाओं की जनसंख्या 9% वृद्धि न होती, उसकी जगह अगर ये 5% होती तो कुल जनसंख्या 5% बढ़ती, मतलब 300 बढ़ती। लेकिन यहां पर बढ़ी कितनी है, यहां पर 6000 से और 6500 हो गई है, तो जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है, इंक्रीज कितना हुआ है, पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई है, तो जनसंख्या में वृद्धि वास्तव में कितनी हुई है, 500। इसका मतलब अगर मैन आदमियों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या 5% से ही बढ़ी होती तब केवल 300 बढ़ती, 500 नहीं बढ़ती। इसका मतलब जो बाकी का बचा है, बाकी की अगर मैं इस 500 में से 300 घटा दूं, अगर मैं इस 500 में से 300 वृद्धि घटा दूं तो 300 घटाने के बाद कितना बचा, 200 की वृद्धि। तो अब मुझे आप ये बताइए कि ये 200 की वृद्धि किस वजह से हुई है। तो अगर आदमियों की जनसंख्या भी 5% बढ़ती और महिलाओं की जनसंख्या भी 5% बढ़ती तो केवल जनसंख्या 300 बढ़ती न कि 500, लेकिन बढ़ी है 500। तो इसका मतलब 500 में से 300 को माइनस करने के बाद जो 200 बचेगा, ये 200 जनसंख्या किस वजह से बढ़ी है, वो इस वजह से बढ़ी है कि महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि 5% नहीं है, वो तो हमने माना है, महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि 9% है। तो 5% तो 300 में चला गया, बाकी का बचा कितना, बाकी का 4%। इसका मतलब ये 200 जो जनसंख्या बढ़ी है वो महिलाओं की जनसंख्या में 4% वृद्धि की वजह से बढ़ी है, मतलब महिलाओं की जनसंख्या का 4% मान 200 के बराबर होगा। ये बात सही है कि नहीं है, दोबारा समझेंगे, 5% से वृद्धि अगर दोनों में होती तो कुल जनसंख्या 300 बढ़ती, लेकिन बढ़ी है 500, क्यों, वो किस वजह से बढ़ी है, वो इस वजह क्योंकि महिलाओं की जनसंख्या 9% बढ़ रही है, जबकि हमने मान के चले हैं 5, तो कितनी एक्स्ट्रा से बढ़ रही है, 4% से। तो जो अतिरिक्त जनसंख्या बढ़ी है 200, वो इस 4% की वजह से बढ़ी है। इसका मतलब महिलाओं की जनसंख्या का 4% मान, ये जो 200 बढ़ी है ये इस 4% की वजह से बढ़ी है, इसका मतलब महिलाओं की जनसंख्या का 4% मान बराबर होगा कितने के, 200 के। वुमेन्स पॉपुलेशन, मतलब वुमेन की पॉपुलेशन मैं डब्लू मान लेता हूं, तो इसका 4% मान कितने के बराबर होगा भाई, 200 के बराबर होगा। तो यहां से महिलाओं की जनसंख्या निकालेंगे तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 4%, ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप ऐसे समझ लो कि 4% का मान बराबर हो गया 200 के, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 50। और महिलाओं की जनसंख्या के लिए 100% का मान निकालेंगे तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 5000। इसका मतलब महिलाओं की जनसंख्या इस 6000 में से कितनी होगी, 5000। इसका मतलब इस 6000 में से महिलाओं की जनसंख्या कितनी होगी, 5000। और महिलाओं की जनसंख्या 5000 हो गई, देखो बाकी का सॉल्यूशन इधर देख लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। देखो यहां से आगे, देखो यहां से आगे देखेंगे, इधर रेड कलर में आ जाइए, कलर चेंज कर देते हैं, तो देखो रेड कलर में आ जाइए, तो देखो यहां पर तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी निकाल ली, 5000। तो महिलाओं की जनसंख्या, वुमेन्स पॉपुलेशन आ गई प्यारे विद्यार्थियों 5000, और टोटल जनसंख्या कितनी है, 6000। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि आदमियों की जनसंख्या कितनी होगी, तो आदमियों की जनसंख्या निकालेंगे तो कुल जनसंख्या 6000 में से और 5000 को माइनस कर देंगे, तो 5000 को माइनस करेंगे तो आदमियों की जनसंख्या आ जाएगी प्यारे विद्यार्थियों 1000। यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1000। यही हमारा आंसर हो जाएगा 1000।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और क्वेश्चन को पहचानना। क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे भाई, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको ये चीज बताई है, क्योंकि ये तरीका कहां कर अप्लाई करेंगे, जहां पर हमको इधर परसेंटेज चेंज दिया हो इधर वाली दोनों चीजों में, और को पहले प्रारंभिक मान दिया हो वृद्धियों के बाद वाला मान दिया हो, तो इसमें आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का तरीका मैंने बिल्कुल धीरे धीरे आपको अच्छे से समझाया है, समझ में आया होगा। उसने हमसे आदमियों की जनसंख्या पूछी है, तो आदमियों की जनसंख्या 1000 आ गई। देखो दोबारा से समझा देता हूँ, शहर की जनसंख्या 6,6500 हो गई, 5% यहाँ इंक्रीजमेंट दिया था, यहाँ 9% दिया था, तो 9% को ब्रेक करना है हमेशा ये, और प्लस बच्चा कितना उसमें, फिर ये परसेंट से 6000 पर निकाल लेना कितनी वृद्धि होती, फिर उसको जितनी वृद्धि हो रही है वास्तव में उसमें से घटा देंगे, तो जो शेष बचेगी ना वृद्धि, वो जो जितना शेष परसेंटेज है, जितना शेष परसेंटेज है ये 4%, इसकी वजह से होगी, तो इतने परसेंट का मान उसके बराबर रख देंगे, 1% का मान आ जाएगा, 100% का मान 5000। अब आप पूछें, अगर किसी स्टूडेंट को ये डाउट हो रहा होगा, सर आपको ये कैसे पता लगा कि ये 5000 महिलाओं की जनसंख्या है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये 4000 जो 4% है वो किस में वृद्धि हुई है, महिलाओं में कि पुरुषों में, महिलाओं में, तो ये जब 4% का मान 200 के बराबर रखेंगे तो 200 की वृद्धि महिलाओं में है, इसलिए ये जनसंख्या महिलाओं की है। 5000 आदमियों की निकालेंगे तो कुल जनसंख्या 6000 थी, 6000 में से 5000 को हटा देंगे, आदमियों की जनसंख्या आ जाएगी 1000। ठीक है, क्लियर है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल क्लियर। ये मैंने आपको एक तरीका बताया, इसी क्वेश्चन को कभी कभी हम रूल ऑफ एलिगेशन से भी सॉल्व कर लेते हैं, तो वो तरीका मैं भी आपको बता देता हूं। आइडेंटिफाई करने का तरीका तो यही है, जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें जो आपको बेस्ट लगे, क्योंकि देखो शॉर्ट मैंने पहले ही दिन बताया, शॉर्ट का कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। अब तुम तो सीधे आंसर याद कर लो, अगर इतने याद करने वाले हो तो सबसे ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा, उससे शॉर्ट दुनिया का कोई टीचर नहीं करा सकता है, तो वो शॉर्टकट करना हमारे हाथ में नहीं, स्टूडेंट के हाथ में है कि स्टूडेंट कितनी चीजें याद रख पाता है, कितनी चीजें शॉर्टकट बनाता है, तो वो जितना ज्यादा शॉर्ट बना लेगा उतना ही जल्दी कर देगा क्वेश्चन को, तो ये वाली चीज है। तो शॉर्टकट जो है ना वो जो है वो आपके हाथ में है, जब आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप शॉर्ट से शॉर्ट कर देंगे। देखो मैं इसका एक और सॉल्यूशन बता देता हूँ, इसी क्वेश्चन को हम रूल ऑफ एलिगेशन से भी सॉल्व कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन को हम रूल ऑफ एलिगेशन से भी सॉल्व कर लेते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ रूल ऑफ एलिगेशन से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो जब कभी भी आपको, जैसे दो चीजों का जोड़ तीसरी के बराबर है, यहां पर एक में परसेंटेज दिया है, यहां पर परसेंटेज चेंज दिया है, और यहां पर पॉपुलेशन प्रारंभिक और नई दी है, तो इसको हम रूल ऑफ एलिगेशन से भी कर देते हैं। रूल ऑफ एलिगेशन में क्या है कि जोड़ में जो दोनों चीजें हैं उनमें से एक चीज मैन, उनको लिखेंगे एक साइड में, और वुमेन उनको लिखेंगे एक साइड में, तो मैन और वुमेन में कितने परसेंट से परिवर्तन आया ये देखेंगे। तो उसने कहा है कि आदमियों की जनसंख्या में 5% से परिवर्तन आया है, तो वो परिवर्तन यहाँ, महिलाओं की जनसंख्या में कितने परसेंट से परिवर्तन आया है 9% से, वो परिवर्तन यहाँ। वृद्धि या कमी, वृद्धि होगी तो प्लस लगा के लिखना है, कमी होगी तो माइनस लगा के लिखना है, भाई इस चीज का ध्यान रखना है, अगर वृद्धि होगी तो प्लस लगा के लिखना है और कमी होगी तो माइनस लगा के लिखना है, माइनस लगा के लिखना है। ये जो तरीका है वो इस सॉल्यूशन, इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, बेस्ट है, रूल ऑफ एलिगेशन से ही आप इन क्वेश्चनों को करें, वो मैंने आपको बताया है। एक और तरीका आप ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन आप इसी से करें, ये तरीका बिल्कुल बेस्ट है। अब उसके बाद आदमियों की जनसंख्या में ये जो रूल ऑफ एलिगेशन लगता है ना, वो वहां लगता है जहां पर दो चीजों का जोड़ तीसरी के बराबर हो, तो उन दोनों में परसेंटेज चेंज दिया हो और तीसरी में भी परसेंटेज दिया हो और हमें रेशियो निकालना हो। मैंने आपसे कहा था कि सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वो क्यों कहा था, वो इसलिए कहा था, हम पढ़ रहे थे इससे पीछे की क्लास में, क्या पढ़ रहे थे इसके पीछे की क्लास में, हम पढ़ रहे थे कि रेशियो हमें दिया है और परसेंटेज चेंज देकर किसी एक में पूछा है, लेकिन आज हम उसका उल्टा पढ़ रहे हैं, हमें सबका परसेंटेज दिया है, पॉपुलेशन भी इनिशियल फाइनल दिया, तो यहां भी परसेंटेज निकाल सकते हैं, तीनों में परसेंटेज चेंज दिया है और हमें रेशियो निकालना पड़ेगा, यहां पर हम उल्टे चल रहे हैं, वहां पर रेशियो से परसेंटेज निकाल रहे थे, यहां परसेंटेज से रेशियो निकाल रहे हैं, रिवर्स चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो जब कभी भी रूल ऑफ एलिगेशन लगाएंगे तो प्लस वाली दोनों चीजों को लिखेंगे अलग अलग दोनों साइड में, उनमें जितने परसेंट की वृद्धि कमी हुई है उनको लिख लेंगे, उसके बाद जो टोटल पॉपुलेशन है मतलब कंबाइन जो परसेंटेज चेंज आया है उसको लिखेंगे हमेशा बीच में, और कंबाइन परसेंटेज चेंज हमें पता तो नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रारंभिक जनसंख्या जो 6000 थी वो 6000 से बढ़कर कितनी हो गई 6500, तो हमें परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा टोटल पॉपुलेशन में, हमें परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा
परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा टोटल पॉपुलेशन में, टीपी का मतलब टोटल पॉपुलेशन में कितने परसेंट का चेंज आया ये निकालना पड़ेगा। तो देखो निकालेंगे तो टोटल पॉपुलेशन में कितने परसेंट के परिवर्तन आया तो वो देखेंगे, तो टोटल पॉपुलेशन में वृद्धि हुई या कमी। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए विद्यार्थियों कुल जनसंख्या में वृद्धि हुई या कमी, तो पहले जनसंख्या 6000 थी अब 6500 है, तो आप कहेंगे सर वृद्धि हुई क्योंकि 6000 से 6500 हो गई। कितने की वृद्धि हुई मैं अगर पूछूं तो आप कहेंगे सर 500 की वृद्धि हुई, सर 500 बढ़ गई जनसंख्या। और अगर मैं पूछूं कि बताइए प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, तो आप बताएंगे सर वृद्धि कितने की हुई ये तो लिखेंगे हम ऊपर 500, और कितने पर हुई वो लिखेंगे नीचे 6000 पर, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 तो सर ये निकल के आ जाएगा कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो 100 से 100 कैंसिल भाई, 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 25 बार कैंसिल हो जाएगा। तो ये टोटल पॉपुलेशन में वृद्धि आ गई 25/3%, 25/3%। तो जो टोटल पॉपुलेशन में परसेंटेज वृद्धि हुई है कमी, वृद्धि है तो प्लस, जो टोटल पॉपुलेशन में परिवर्तन आया है उसको लिखेंगे हमेशा बीच में, उसको लिखेंगे हमेशा बीच में, तो बीच में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25/3%। तो मैंने आपको कल, और ये वाला जो परसेंटेज होगा वो हमेशा इन दोनों के बीच की संख्या होगी, जैसे 3 से 8 24, 3 8.33 बनेगा ये। तो देखो दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बीच में आएगा। ये मैंने पीछे जब भाग वाला टाइप कराया था तब भी आपको ये वाली चीज बताई थी कि आंसर चेक करने का ये तरीका भी हो सकता है कि आंसर हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि हमें ये निकालना होता था तो वो बीच में ही रहता है। तो जो आदमी, महिलाएं और कुल जनसंख्या, तो आदमियों का परसेंटेज चेंज इधर, महिलाओं का इधर, और कुल जनसंख्या का परसेंटेज चेंज हमेशा बीच में, कंबाइंड वैल्यू हमेशा बीच में रहेगी। अब उसके बाद अगर ये परफेक्ट में हो परसेंटेज तब तो सीधा कर लेते हैं, अगर ये परसेंटेज परफेक्ट में नहीं है तो इसको परफेक्ट में बनाने के लिए जो नीचे 3 है इसको हटा लेंगे। और ये 3 कब हटाया जाएगा, अगर हम यहां से 3 को हटाएंगे मतलब इसमें जितने का मल्टीप्लाई करेंगे वो सभी में करेंगे, केवल यहां अकेला नहीं करेंगे। तो यहां से अगर मैं 3 को हटाऊंगा, अगर मैं यहां से 3 को हटाऊंगा तो 3 का मल्टीप्लाई फिर मुझे यहां भी करना पड़ेगा, यहां भी करना पड़ेगा 3 का मल्टीप्लाई करके, बता देता हूं सीधा सीधा 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा भाई, ये 15 हो जाएगा। ऐसे 3 का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा तो यहां पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 को हटाया मैंने, नीचे से 3 को हटाया, यहां से समझ लेंगे। तो 3 को हटाएंगे तो सभी में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद अप्लाई कर देंगे रूल ऑफ एलिगेशन। तो इधर और इधर, रूल ऑफ एलिगेशन कहता है ज्यादा में से कम को घटाना है, तो इसमें से इसको घटाकर 25 ज्यादा ये कम है 15, तो 25 में से 15 को घटाकर 10 को लिखेंगे विपरीत साइड में। इसमें से मेरे कहने का मतलब ये समझ लेंगे कि इसमें से जो इसमें इन दोनों का डिफरेंस होगा वो विपरीत साइड में इधर लिखेंगे आप, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो विपरीत साइड में आप इधर लिखेंगे। तो 27 में से 25 को माइनस करेंगे तो 2, तो यह आ जाएगा 2:10। तो ये जो 2:10 आया है ये क्या आया है, इसको मैं 2 से काट सकता हूं, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल करने पर ये रेशियो बन जाएगा 1:5। ये जो 1:5 है ये क्या आया है, ये 1:5 आया है, इधर में परसेंटेज किसका लिखा है आदमियों का, तो इधर तो आएगी आदमियों की जनसंख्या का अनुपात, इधर किसका लिखा है महिलाओं का, तो ये इधर आएगा महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात, और महिलाओं और आदमियों की जनसंख्या दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा कुल जनसंख्या का रेशियो। अब उसके बाद हमें कुल जनसंख्या पता है तो 6:00 का मान हमें पता है, 6:00 का मान कितना है भाई 6000, तो 1:00 का मान कितना हो जाएगा 1000, 6 से भाग देंगे 6000 में तो 1000 हो जाएगा। तो यहां पर 1:00 का मान निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 1000, तो आदमियों की जनसंख्या आ जाएगी 1000, और महिलाओं की जनसंख्या के लिए निकालेंगे 5:00 का मान तो मल्टीप्लाई 1000, तो महिलाओं की जनसंख्या आ जाएगी 5000। तो यहां से सारी चीजें एक ही सीधी सी लाइन में निकल के आ जाती हैं। तो 1000 हो गई आदमियों की जनसंख्या, ये हमारा आंसर हो गया, 5000 हो गई महिलाओं की जनसंख्या, 6000 कुल जनसंख्या हमें दी थी। तो आप क्वेश्चन को हमेशा ऐसे क्वेश्चन को रूल ऑफ एलिगेशन से ही सॉल्व करें, मैंने आपको एक और तरीका वो बता दिया है पीछे, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन को हमेशा रूल ऑफ एलिगेशन से ही सॉल्व करें। तो यहां पर इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे रूल ऑफ एलिगेशन से, बिल्कुल क्लियर मैंने समझाया, समझ में आया होगा आपको। उसके अलावा ये रूल ऑफ एलिगेशन भी दो तरह से लग जाता है, जैसे हमने यहां पे परसेंटेज लिखा है वैसे हम यहां पे वृद्धि भी लिख सकते हैं, कमी भी लिख सकते हैं। जैसे और एक और तरीका कौन सा हो सकता है वो बता दूं रूल ऑफ एलिगेशन का, चलो इधर शॉर्ट में कर देता हूं इधर एक और तरीका बता देता हूं इस क्वेश्चन को करने का।
बाउंड्री लाइन खींच दूं पहले, इन दोनों में लड़ाई ना हो जाए, बाउंड्री बहुत जरूरी है भाई। तो पहले बाउंड्री खींच देता हूँ, देखो ये खिंच गई बाउंड्री, ये बाउंड्री खिंच गई, इसका मतलब ये वाला जो इधर वाला सॉल्यूशन है वो इधर नहीं जाएगा, इस बाउंड्री से इधर नहीं जाएगा, दिख रही होगी आपको, ठीक है, हाँ दिख रही है। तो देखो ये जो रूल ऑफ एलिगेशन है, ये ऐसे भी कर सकते हैं हम, आदमियों की जनसंख्या एम, महिलाओं की जनसंख्या डब्लू। अब उसके बाद क्या करेंगे आप, जो जनसंख्या 6000 है, 6000 है, तो इसको पहले 6000 को, इसको पहले 6000 को आप ये सोचेंगे कि मान के चलो अगर जनसंख्या सॉरी भाई, तो देखो पहले आप क्या करेंगे, 6000 पर 5% से निकालेंगे, अगर 6000 में मतलब कुल जनसंख्या 5% से बड़ी होती पहले ये मान लेंगे, तो 5% से 6000 पर निकालेंगे तो कितना आएगा 300, उसको लिख लेंगे इधर। फिर उसके बाद 9% से निकालेंगे 6000 पर, तो 9% से 6000 पर 9 × 54 540, उसको लिख लेंगे इधर। और बीच में टोटल जनसंख्या कितनी बड़ी है 500, उसको लिख लेंगे बीच में 500। फिर सेम करने का तरीका वही, रूल ऑफ एलिगेशन लगा देंगे, तो रूल ऑफ एलिगेशन लगाएंगे 540 में से 500 को घटाकर 40 को लिखेंगे इधर, और 300 को 500 में से घटाकर 200 को लिखेंगे इधर। देखो अब इसको कैंसिल कर लेंगे आप, तो 40 से कैंसिल करेंगे 40 और ये 200, तो आप देखेंगे कि ये रेशियो आ गया 1 और रेशियो 5। देखो सेम रेशियो आ गया, जो रेशियो उधर आ रहा है नहीं दिख रहा तो मैं दिखा देता हूं, ये जो 1:5 का रेशियो है यही रेशियो तो यहां आ रहा था कि नहीं आ रहा था, तो सेम आ गया 1:5। उसके बाद वहां से वही चलना है, 5 और 1 = 6, 6 रेशियो का मान 6000, 1 रेशियो का मान 1000, आदमियों की जनसंख्या के लिए 1 रेशियो का मान निकालेंगे 1000 आ जाएगा, महिलाओं की जनसंख्या के लिए 5 रेशियो का मान निकालेंगे 5000 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये कहां लगेगा रूल ऑफ एलिगेशन, जहां 2 का जोड़ 3 के बराबर हो, इनमें परसेंटेज चेंज दिया हो, प्रारंभिक और बाद वाली वृद्धि के बाद वाली चीज दी हो, उसके बाद आप यहां पर ये रूल ऑफ एलिगेशन लगा सकते हैं, रूल ऑफ एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते समय जो प्लस वाली दोनों चीजों हैं वो दोनों का परसेंटेज चेंज लिखेंगे अलग अलग साइड में, और कुल पॉपुलेशन का परसेंटेज चेंज लिखेंगे हमेशा मिडिल में, इन द मिडिल। उसके बाद इसमें से इसको घटाकर विपरीत साइड में लिखेंगे, ऐसे इसमें से इसको घटाकर इधर, ये जो रेशियो निकल के आएगा ये आदमियों की जनसंख्या का रेशियो आएगा 1 और महिलाओं की जनसंख्या का रेशियो आएगा 5, टोटल पॉपुलेशन का हो जाएगा 6। हमें 1 रेशियो का मान निकालने के लिए कुल जनसंख्या पता है, इसलिए 6 रेशियो का मान 6000, 1 रेशियो का मान 1000, आदमियों की जनसंख्या के लिए 1 रेशियो का मान निकालेंगे 1000 आ जाएगा, महिलाओं की जनसंख्या के लिए 5000 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। मैंने एक क्वेश्चन को आपको 3 तरीके से बिल्कुल क्लियर करके बिल्कुल कंसेप्ट सहित बता दिया है। अब आपको डाउट इस प्रकार के क्वेश्चनों में नहीं होना चाहिए, जो आपको बेस्ट लगे तरीका, मेरी तरफ से तरीका ये बेस्ट है भाई, ये बेस्ट तरीका है, रूल ऑफ एलिगेशन से जाइए आप, सबसे अच्छा पड़ेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है, अब समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, आपको कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा भाई। अब हम करेंगे थोड़ी सी इन पर क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आ सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज में आ सकते हैं, दिख रहा होगा बोर्ड पे, पढ़ेंगे इसको जल्दी से पढ़ा करो फास्ट, मैंने बोल दिया इतनी देर में, तो क्वेश्चन पढ़ लिया करो और सॉल्व भी करने की कोशिश किया करो, 2-4 बार पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश किया करो, तभी आपकी चीजें बिल्कुल माइंड में सेट बैठ पाएंगी भाई। मेहनत करने से ही सब कुछ होगा, मेहनत ना करने से कुछ नहीं होगा। विद्यार्थी सॉल्यूशन के सर सिलेक्शन कैसे होगा, ये परेशान घूम रहे हैं, पागलों की तरह घूम रहे हैं, फिर आए सर सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्या होगा कैसे होगा, लेकिन वो मेहनत पे जो है फोकस नहीं कर रहे। मेहनत से सब चीज़ पॉसिबल है, सिलेक्शन तो बहुत छोटी बात है, कुछ भी हो सकता है बेटा, तो मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। ठीक है, तो देखो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ एक बार, इस क्वेश्चन में कहा है किसी शहर की जनसंख्या 11900 है, किसी शहर की जनसंख्या 11900 है, यदि पुरुषों की संख्या में 13% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 17.5% की वृद्धि होती है तो कुल जनसंख्या बढ़कर 13852 हो जाती है, तो प्रारंभ में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या में अंतर ज्ञात करें, पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या में अंतर ज्ञात करें, ये हमसे भाई इसने पूछा है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन, सेम उसी
टाइप पर आधारित क्वेश्चन है, जो मैंने आपको पहले बताया है सेम वही क्वेश्चन है। तो इसमें पुरुषों की जनसंख्या 13% से बढ़ रही है और महिलाओं की जनसंख्या जो है वो 17.5% से बढ़ रही है। ठीक है, तो देखो दूसरा क्वेश्चन, अब हम थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, अब चीजें बिल्कुल बारीकी से बता दी हैं, ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, अब हम केवल एक ही तरीके से रूल ऑफ एलिगेशन से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखो दूसरा क्वेश्चन, आदमी हैं पॉपुलेशन में और महिलाएं हैं, आदमियों की जनसंख्या बढ़ रही है 13% से, तो प्लस 13% हो गया, महिलाओं की जनसंख्या बढ़ रही है 17.5% से, तो 17.5% हो गया। ठीक है, दोनों को लिख लिया। उसके बाद शहर की प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी भाई, 11,900। तो शहर की प्रारंभिक जनसंख्या, मैं लिख देता हूं साइड में क्या दिया है हमको, साइड में हमको दिया है शहर की प्रारंभिक जनसंख्या, इनिशियल पॉपुलेशन PI, इनिशियल पॉपुलेशन दी है हमें 11,900 दी है, और नई जनसंख्या PN, नई पॉपुलेशन दी है 13,852। ठीक है भाई, 13,852 ये नई जनसंख्या दी है, और ये जो है परसेंटेज चेंज दिया है जनसंख्या में। तो हमारे पास मैंने बताया था रूल ऑफ एलिगेशन लगाने के भी दो तरीके हैं, एक तरीका क्या है, एक तरीका तो ये है कि हम कंबाइंड परसेंटेज निकाल लें और उसको बीच में रख देंगे। तो देखो उसी से करते हैं, पहले कंबाइंड परसेंटेज निकाल लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं परसेंटेज चेंज इन टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन में परसेंटेज चेंज, तो देखो कैसे निकालेंगे, वृद्धि हो रही है, पहले 11,900 थी, पहले जनसंख्या 11,900 थी और 11,900 से बढ़कर 13,852 हो गई, तो कुल जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है, तो दो जीरो में से माइनस करेंगे तो दो आएगा, पांच में से जीरो को माइनस करेंगे तो भाई पांच आएगा, 18, एक इधर से कैरी लेंगे, 18 में से 9 को माइनस करेंगे 9 आएगा, और यहाँ 12 बचेगा, 1952 बटे कितने पर कैलकुलेट करेंगे, 119 पर कैलकुलेट करेंगे भाई, और मल्टीप्लाई ये 11,900 और मल्टीप्लाई 100, यही तो होगा, यही होगा कि नहीं होगा, यही होगा। तो यहां से करेंगे तो देखो जीरो से जीरो कैलकुलेशन कैलकुलेट हो जाएगा, तो यहां पर हमारा ये आ जाएगा आपका 1952। सेकंड क्वेश्चन में देखो 1952 बटे 119 ही हो गया। तो यहां पर हमने क्या किया, सबसे पहले कुल पॉपुलेशन का परसेंटेज बना लिया कि भाई कुल पॉपुलेशन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो 119 से ये कैंसिल नहीं हो रहा, 119 से भाई ये कैंसिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 1952 बटे 119%। मैंने आपको बताया था कि बटे में रह जाए तो कोई बात नहीं है, उसको बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ गया टोटल पॉपुलेशन में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई, तो टोटल पॉपुलेशन भाई 1952 बटे 119% से बढ़ी। उसके अलावा यहां भी पॉइंट में है, तो यहां पर ये जो चीज पॉइंट में है मैं इसको भी परफेक्ट में कर लेता हूं पहले, तो मैं इसको परफेक्ट में कैसे करूंगा, देखो ये जो पॉइंट में है इसको मैं 17 सही 1/2 लिख सकता हूं, 17.5 को 17 सही 1/2, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं भाई 35/2% ऐसे लिख सकता हूं, और बाकी ये है, ये हमने अभी निकाला है 1952 बटे 119%, ये भी वृद्धि है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तीनों प्लस हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि पॉइंट में ये जो नीचे, एक तरीका तो ये है कि हम सीधा घटा दें, या एक तरीका ये कि 119 और 2 को यहां से हटा दें, तो 119 बटे में जो है और 2 बटे में, तो 119 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 119 को हटाने के लिए 119 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 119 का मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा और 119 का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा भाई, तो 119 का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा। फिर हम इस 2 को हटाएंगे, तो इस 2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 2 को हटाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई हमें यहां करना पड़ेगा और 2 का मल्टीप्लाई हमें यहां भी करना पड़ेगा। अब इसको कर लेते हैं, अब इसको करके यहां पे लिख लेते हैं नीचे, तो देखो यहां पर करेंगे, मैं लिखता जाऊंगा, यहां पर करेंगे तो 119 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 कितना हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, 13 × 26 119 × 26 हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 6 = 54 5 जाएगा, 6 से एक बार करेंगे 5 × 11 = 1 जाएगा 714 मल्टीप्लाई 238
करेंगे तो ये हो जाएगा 490। ये तो आपने भाई, ये तो मैंने मल्टीप्लाई किया, कुछ अलग नहीं किया है, मैंने 26 का मल्टीप्लाई इसमें किया है, तो ये आ जाएगा 3094। तो ये आ जाएगा 3094, यहाँ पे आ गया 3094। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर करेंगे 119 मल्टीप्लाई 35। तो इसको भी कर लेते हैं, कहीं साइड से इधर ही कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 119 मल्टीप्लाई 35 करेंगे, 119 मल्टीप्लाई 35, तो 119 मल्टीप्लाई 35, तो देखो ये हो जाएगा 595, 19 5 95, 3 का करेंगे तो 19 3 57 और 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 9 7 16 का 6 8 का 1, 10 और 11 का 1, तो 4165 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 16 6 हो जाएगा 11 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 4165, ये हो जाएगा 4165। उसके बाद बीच में कितना हो जाएगा, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 5 दूनी 10 0 1 19 दूनी 38 और 1 3904। उसके बाद अब रूल ऑफ एलिगेशन लगा देंगे। देखो भाई, कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमें पॉइंट को हटाना पड़ेगा, पॉइंट को हटाना पड़ेगा, तो यहां भी पॉइंट में वैल्यू आ रही थी, यहां भी पॉइंट में आ रही, मैंने पॉइंट को क्लियर कर दिया। पॉइंट को क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, सब में, देखो ऐसा नहीं है 2 का मल्टीप्लाई यहां तो सब में करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है किसी एक में कर दिया दूसरे में नहीं किया, ऐसा नहीं करना है, जितनी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे सब में करना है। अब हमारे लिए घटाना जोड़ना बहुत आसान रहेगा, तो देखो 4165 हो गया, ये 3904 हो गया, 4165 में से 3904 को माइनस करेंगे तो 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा, 6 में से 0 गया तो कितना बचेगा, 6 यहां करेंगे तो 41 में से 39 हो जाएगा 261। उसके बाद यहां निकालेंगे, तो यहां निकालेंगे तो 3904 में से इसको घटाना पड़ेगा, 4 में से 4 गया तो कितना आया 0, 10 में से 9 गया तो कितना आया 1, यहां बचा 38, 38 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 810। तो यहां पर ये हो गया, ये 810 और 261 क्या है, ये जो 261 है ये तो है आदमियों की जनसंख्या का रेशियो, और ये जो 810 है ये है महिलाओं की जनसंख्या का रेशियो। अगर हम कुल पॉपुलेशन का रेशियो देखेंगे तो कुल पॉपुलेशन के लिए दोनों को जोड़ देंगे तो 1 और 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 और 6 कितना हो जाएगा 7, तो कुल पॉपुलेशन का रेशियो आ जाएगा 1071। ठीक है, 1071 आ गया टोटल पॉपुलेशन का रेशियो। इसके बाद हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है बताइए आदमियों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या में अंतर क्या होगा, भाई आदमियों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या में अंतर क्या होगा। तो यहां से आगे देखेंगे बाउंड्री लाइन के इधर, बाउंड्री लाइन के इधर देखेंगे भाई क्वेश्चन को यहां से आगे। तो देखो, तो यहां पर हमें कितने रेशियो का मान पता है, 1071 रेशियो का मान हमें उसने बराबर दिया है, प्रारंभिक जनसंख्या 11900 दिया प्रारंभिक जनसंख्या, तो यहां से 1 रेशियो का मान मैं निकालूंगा तो 1 रेशियो का मान बराबर हो जाएगा 11900 बटे 1071। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जनसंख्याओं में अंतर, तो जनसंख्याओं में अंतर। अब यहां से उसने अगर मुझे आदमियों की जनसंख्या पूछी होती तो 261 रेशियो का मान निकाल लेता, महिलाओं की जनसंख्या पूछी होती तो 810 का मान निकाल लेता, लेकिन उसने पूछा है दोनों के बीच में अंतर, तो दोनों के बीच में अंतर कितना रेशियो है, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9, यहां कितना बचा भाई 10 में से, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, यहां 0 बचा, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यहां पे 7 में से 2 होगा 549, तो दोनों का अंतर कितना रेशियो 549। तो हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालेंगे तो वो आ जाएगा 11900 बटे 1071 और मल्टीप्लाई भाई 549। ठीक है, तो देखो 9 से कैंसिल हो जाएगा, 7 2 9 और 5 4 9 से कैंसिल हो रहा है, तो 9 6 54, 9 से कैंसिल कितने बार हो जाएगा भाई 9 6 54 61 बार, 9 से हो जाएगा 9 1 9 9 1 9 9 9 81, 119 से 119 कैंसिल हो जाएगा तो 61 मल्टीप्लाई 100, तो डिफरेंस कितना आ गया भाई विद्यार्थियों 2100, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2100। तो जब कभी भी एलिगेशन लगाते समय पॉइंट आए तो पॉइंट को हटाने के लिए सभी में मल्टीप्लाई कर लेना है, तो वही मैंने किया 119 से मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया दोनों का डिफरेंस 2100 रुपए, हमारा सॉरी 2100 आदमियों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या में अंतर आ गया। सेम वही किया जो पुराने वाले क्वेश्चन में था, कुछ भी अलग नहीं है, क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, अब
अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को दोनों तीनों तरीके से करके देखें जो मैंने आपको बताए हैं, चाहें तो पहले वाले तरीके से भी करके देखें। उससे कैसे करेंगे, एक बार टोटल पॉपुलेशन पर 13% से निकालेंगे, उसके बाद 4.5% से उसको बराबर कर देंगे और आदमी और महिलाओं की जनसंख्या निकाल के डिफरेंस ले लेंगे तो अंतर आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप चाहें, तीनों तरीकों, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने सारे तरीके आपको बता दिए भाई, अब हर क्वेश्चन में सारे तरीके नहीं बताऊंगा, एक तरीके से बता दिया, बाकी आप दो तरीके से घर पे बैठ के ट्राई करो, तुम भी तो कुछ करोगे, तुम बैठे ठाले वैसे ही खा रहे हो लॉकडाउन में, क्यों है? बैठे ठाले खाओगे तो मोटे हो जाओगे, तो तुम भी अपने आप कुछ करो थोड़ा बहुत। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसको आप बाकी के दो तरीकों से करके देखेंगे, अगर नहीं आता है तो आप जो है कमेंट करें वीडियो के नीचे, तो टेलीग्राम की चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उस पर आप मुझे बता दें तो मैं आपको उसको समझा दूंगा दूसरे वीडियो में। ठीक है, तो देखो आज की क्लास का एक और तीसरा क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा भाई, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे बोर्ड पे, आपको आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन में पढ़ के देखेंगे और मैं समझाता हूं आपको, लैंग्वेज अलग है, करने का तरीका सेम है भाई। एक चिड़ियाघर में कुछ शेर और कुछ कबूतर हैं, एक चिड़ियाघर में कुछ शेर और कुछ कबूतर हैं, कुल जानवरों के सिरों की संख्या 280 है और पैरों की संख्या 820 है, तो बताइए चिड़ियाघर में कितने शेर और कितने कबूतर हैं। ये क्वेश्चन भी एसएससी में एकाध बार पूछा गया है, बार बार रिपीट, ये जो टाइप में आपको करा रहा हूं इसमें जो मैंने पहले दो क्वेश्चन कराए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो अब मैं दो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं ये कभी कभी समटाइम्स एकाध बार आ गए वो वाले क्वेश्चन है, बार बार नहीं आते, लेकिन इससे पहले वाले जो टाइप है वो बार बार रिपीट होते हैं, इनिशियल फाइनल वाला भाग वाला, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी पुरानी क्लास थी, तो वो वाली बात मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो यहां पर इसने कहा है कि एक चिड़ियाघर में शेर और कबूतर हैं, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन को हटा देता हूं मैं, तो क्वेश्चन को हटा देता हूं, देखो सॉल्यूशन तीसरे क्वेश्चन का, तीसरे क्वेश्चन में उसने कहा है कि एक चिड़ियाघर में कुछ शेर हैं, लॉयन है भाई, और कुछ कबूतर हैं, पीजन है, और बराबर होगा टोटल एनिमल के, यही वाली चीज है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका दोनों तरीके से कर सकते हैं आप, रूल ऑफ एलिगेशन से भी कर सकते हैं, मैंने जो बताया उससे भी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसका बेस्ट तरीका बताता हूं, जो मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया है उसी तरीके से बताता हूं। तो ये देखो लॉयन, तो टोटल जानवर, तो आपको यहां से एक चीज समझ आ रही होगी कि सर लॉयन शेर, शेर का एक सिर होता है और चार पैर होते हैं, कबूतर, कबूतर का एक सिर होता है और दो पैर होते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर मैं शेर की बात करूं तो शेर के पैरों की संख्या होती है 4, शेर के होते हैं 4 पैर, और जबकि सिर कितना होता है 1, और अगर मैं कबूतर की बात करूं तो कबूतर के होते हैं 2 पैर और सिर कितना होता है 1, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर सिर की संख्या शेरों की भी 1 है और कबूतरों की भी 1 है, और टोटल जानवरों के सिर दिए उसने 280, इसका मतलब सर एनिमलों की टोटल जनसंख्या तो होगी 280, आप ये सिरों से ही बता देंगे कि टोटल एनिमलों की संख्या होगी 280, कुल जानवर जो है वो कितने होंगे 280। ठीक है, तो अब देखो अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे आप, मैंने आपको समझा दिया क्या चीज है, तो देखो सॉल्यूशन, बस पैरों की संख्या जो है अलग अलग है, सिरों की संख्या 1 है, तो टोटल जानवरों की संख्या जानवरों के कुल सिरों की संख्या के बराबर होगी, तो टोटल एनिमल, कुल जानवर जो है उसमें कितने होंगे, टोटल एनिमल बराबर होंगे जानवरों के सिरों की संख्या के 280 के। ठीक है, उसके बाद इसमें दो तरह के जानवर हैं, दो तरह के जानवर हैं, लॉयन है एल और पीजन है पी, मैं शॉर्ट में डिनोट कर देता हूं, तो पी, इसमें लॉयन के होते हैं 4 पैर और पीजन के होते हैं 2 पैर। ठीक है, और उसके बाद उसने कहा है पैरों की संख्या, पैरों की संख्या टोटल नंबर ऑफ लेग्स, जानवरों के कुल पैरों की संख्या उसने दी है हमको 820। ठीक है, तो यहां पर आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि कबूतर के 2 पैर होते हैं और शेर के होते हैं 4, तो जो शेर के पैरों की संख्या है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2+2,
टू प्लस टू लिख सकता हूं, टू का मतलब कबूतर के पैरों की संख्या और ये टू का मतलब एक्स्ट्रा पैर कितने हैं शहर के। तो इसका मतलब पहले मैं ये मान लूं कि सभी जानवर जो हैं अगर वो कबूतर होते, मतलब सभी जानवरों के अगर दो पैर होते तो पैर कितने बनते। पहले ये निकाल लें कि सभी जानवरों की संख्या 280 सिरों से निकाल ली, 280 जानवरों में से सभी के अगर दो पैर होते तो पैरों की संख्या कितनी बनती। तो आप निकालेंगे सबसे पहले पैरों की संख्या, जब दो पैर हो सभी के तो 280 जानवरों के दो पैर के हिसाब से बनेंगे 28 दूनी 56, 560 पैर, 560 पैर। लेकिन पैरों की संख्या बन रही है 820, इसका मतलब 820 में से अगर मैं 560 पैर घटा दूं तो बाकी के जीरो, 12 में से 6 गया तो 6 और 7 में से बाकी के जो 260 पैर आएंगे, ये 260 पैर एक्स्ट्रा क्यों आ रहे हैं, ये 260 पैर एक्स्ट्रा आ रहे हैं शेरों की वजह से, क्योंकि शेरों के दो दो पैर तो हमने इस 560 में ले लिए, लेकिन बाकी के जो दो दो पैर बचे हैं, ये जो बाकी के दो दो पैर बचे हैं इस हिसाब से शेरों के 260 पैर बन रहे हैं। मतलब एक शेर के दो पैर छोड़ने पर शेरों के पैरों की संख्या 260 हो रही है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक शेर के दो पैर के हिसाब से 260 पैर बन गए, तो शेरों की संख्या कितनी होगी ये कैसे निकालेंगे। तो शेरों की संख्या यहां से निकल के आ जाएगी, 260 पैर बनना है दो पैर के हिसाब से, तो शेरों की संख्या आ गई भाई 130। ठीक है, शेरों की संख्या 130 आ गई। अब हमें निकालना है कि कबूतरों की संख्या होगी कितनी, तो कबूतरों की संख्या निकालेंगे तो कबूतरों की संख्या आ जाएगी 100 280 में से और 130 को घटा देंगे तो कबूतरों की संख्या आ जाएगी भाई 150। ठीक है, तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो हमारा आंसर इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है बताइए कितने शेर और कितने कबूतर हैं, दोनों पूछे हैं। तो शेरों की संख्या कर देंगे आप आंसर में 130 और कबूतरों की संख्या कर देंगे 150। तो यहां पर 130 और 150, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिसमें लिखा है 130 और 150, तो ए वाला जो आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब कभी भी आपसे एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाएगा तो वहां पर सिरों की संख्या कुल जानवर होंगे, पैरों की संख्या चार वाले होंगे दो वाले, तो चार वाले मतलब कहने का मतलब जो मैंने तरीका आपको पीछे पॉपुलेशन वाले पहले क्वेश्चन में बताया था उसी तरीके से सॉल्व किया है, ठीक नहीं किया। अब आपके दिमाग में एक और डाउट होगा कि सर ये रूल ऑफ एलिगेशन से, तो देखो रूल ऑफ एलिगेशन से भी बता देता हूं मैं, रूल ऑफ एलिगेशन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम। रूल ऑफ एलिगेशन से कैसे करेंगे ये बता देता हूँ, इस दूसरे क्वेश्चन का एक और सॉल्यूशन बता देता हूँ, उसके बाद एक और क्वेश्चन जब कराऊंगा आपको तो उसमें एक तरीका नहीं बताऊंगा। प्रैक्टिस में जो आपको अच्छा लगे वैसे करो भाई, जैसे आपको लग रहा हो कि हम शॉर्ट से शॉर्ट इस तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, जो आपको शॉर्ट से शॉर्ट लगे उससे करो। ठीक है, तो 280 देखो रूल ऑफ एलिगेशन से कैसे करेंगे आप इसको, दो तरह के जानवर हैं, लॉयन है और पिजियन है, दो तरह के, तो देखो और टोटल जानवरों की संख्या कितनी है, टोटल एनिमल कितने हैं, तो टोटल एनिमल आप कहेंगे सर 280 दिए नहीं है लेकिन हमने पता कर लिया कि एक एनिमल का एक ही सिर होता है और उसने सिरों की संख्या 280 दी है तो कुल जानवरों की संख्या 280 हो जाएगी। तो रूल ऑफ एलिगेशन से जब आप करेंगे तो आप क्या करेंगे कि शेर के एक के पहले आप मान लेंगे, पहले आप मान लेंगे कि अगर सभी जानवर शेर होते तो कितने पैर बनते, तो 280 जानवरों में और एक शेर के, 280 जानवरों में एक शेर के चार पैर होते तो कुल पैर कितने बनते, तो 280 में चार का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 8 6 32 दो तीन चार दूनी 8 और 3 1120 बनते। ऐसे यहां पर पिजन 280 कबूतर होते और एक कबूतर के दो पैर होते तो 2 मल्टीप्लाई 280 करते तो 58 दूनी 56 तो कितने बनते भाई 560। लेकिन जब ये दोनों जानवर मिक्स हैं तो कितने पैर बन रहे, तो कुल पैरों की संख्या जो 820 दी रखी है उसको लिखेंगे आप बीच में। रूल ऑफ एलिगेशन में मैंने आपको बताया कि बीच वाली वैल्यू इन दोनों के मिडल में होगी तो मिडल में आ रही है, तो यहां पर तो आपको लिखना है कि अगर सभी शेर होते तो कुल पैर कितने बनते, यहां पर लिखना है अगर सभी कबूतर होते तो कुल पैर कितने बनते, यहां पर उसके बाद बीच में लिखना है टोटल मिक्स है तो कितने पैर बन रहे, उसके बाद रूल ऑफ एलिगेशन लगाएंगे। तो रूल ऑफ एलिगेशन इधर से इधर घटाकर लिख देंगे इधर, तो 1120 में से 820 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई 300 आएगा। ठीक है, रेशियो 820 में से इसको घटाएंगे तो 0, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा
और 260, ये हो जाएगा। इसके बाद इसको रेशियो को बना लेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा भाई, दो से इसको कैंसिल करेंगे ये 13 बार कैंसिल हो जाएगा, दो से इसको कैंसिल करेंगे ये 15 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से भाई रेशियो आ जाएगा 13:15, ये रेशियो आ जाएगा। और 13:15 तो कुल जानवरों का रेशियो कितना हो जाएगा, 28। तो ये 13:15 क्या है, 13:15 तो है शेरों की जनसंख्या, शेर कितने हैं उसका रेशियो, ये कबूतरों का रेशियो है, और दोनों को जोड़ देंगे तो कुल जानवरों की संख्या का रेशियो। तो अब बताइए 1:1 का मान निकालने के लिए क्या दिया है, 1:1 का मान निकालने के लिए टोटल एनिमल दिए हैं, तो 28:1 का मान बराबर होगा 280 के, 1:1 का मान निकालेंगे तो आ गया भाई 10। तो यहां से निकाल लो फिर, यहां से 13:1 का मान निकालेंगे तो शेरों की संख्या आ जाएगी, तो 13 × 10 130 तो आ जाएंगे शेर, और यहां पर कबूतरों की संख्या निकालेंगे तो 15 × 10 तो कबूतरों की संख्या आ जाएगी 150। तो यहां से आप आंसर कर देंगे कि सर लॉइन एल जो होंगे, लॉइनों की संख्या होगी 130 और पिजियंस की संख्या होगी 150। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं रूल ऑफ एलिगेशन से, आपके पास दोनों विकल्प खुले हुए, जैसे आपको मन करे, जो आपको अच्छा लगे ऐसे करें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन देखेंगे एक और फोर्थ, आपको बोर्ड पर दिखने लगेगा क्वेश्चन, देखो देखो बोर्ड पर क्वेश्चन लगा दिया है, देखेंगे पढ़ेंगे समझेंगे और सॉल्व करेंगे भाई, बैठेंगे नहीं, बस खाली नहीं बैठना, कुछ ना कुछ करते रहना है अगर आगे बढ़ना है तो, कुछ ना कुछ करते रहना है, बैठना नहीं है भाई, खाली नहीं बैठना है, ठीक है। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में पढ़ के बता देता हूं एक बार क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है, एक चिड़ियाघर में कुछ कुत्ते और कुछ बिल्लियां हैं, प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, तो बताओ चिड़ियाघर में कितने कुत्ते और कितनी बिल्लियां हैं, ठीक है। तो देखो हमें इसको रूल ऑफ एलिगेशन से, देखो मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए, दोनों तरीके बता दिए, रूल ऑफ एलिगेशन भी बता दिया, सिंपल भी बता दिया, जिस तरीके से आपको लग रहा हो कि मैं इससे शॉर्ट से शॉर्ट कर सकता हूं, आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको शॉर्ट लगना चाहिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन को करता हूं थर्ड को एक ही तरीके से बता देता हूं, दूसरे तरीके से आप खुद सॉल्व कर लेंगे। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन, आज की क्लास का फोर्थ क्वेश्चन इस टाइप में लास्ट क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन में कहा है, इसने कहा है कुछ कुत्ते और कुछ बिल्लियां हैं, कुत्ते जो है वो 9 बिस्किट खाते हैं, बिल्लियां 7 बिस्किट खाते हैं, तो बताइए कितने कुत्ते और कितनी बिल्लियां हैं चिड़ियाघर में। कुल बिस्किट कितने खाए, ये तो इसमें दिया नहीं है भाई, बंद करना जरा सत्वी सर। देखो भाई आज की क्लास का फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, फोर्थ क्वेश्चन और मैं पढ़ के बता देता हूं। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा, सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन कराया, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक चिड़ियाघर में कुछ कुत्ते और कुछ बिल्लियां हैं, प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, तो बताओ चिड़ियाघर में कितने कुत्ते और कितने बिल्लियां हैं, यदि वह 395 बिस्किट खाते हैं और 45 जानवर हैं, मतलब 45 जानवर 395 बिस्किट खा जाते हैं, कुत्ते जिसमें कुछ कुत्ते कुछ बिल्लियां हैं, कुत्ता 9 बिस्किट खाता है और बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, तो आपको बताना है कि कितने कुत्ते हैं और कितनी बिल्लियां हैं, दोनों की संख्या अलग अलग आपको बतानी है। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, तो सेम वही क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने आपको दो तरीके बताए, एक रूल ऑफ एलिगेशन बताया है और एक सिंपल तरीका बताया है, जिससे आपको सही लगे अच्छा लगे उससे करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो मैं आपको एक तरीके से बता देता हूं, दूसरे तरीके से आप खुद कर लेंगे। तो देखो टोटल जानवर कितने हैं भाई, टोटल जानवर उसने कहा है टोटल 45 जानवर हैं, और 45 जानवरों ने बिस्किट कितने खाए हैं, 45 जानवरों ने बिस्किट खाए 395, ठीक है। 45 जानवरों में दो तरह के जानवर हैं, कुछ कुत्ते हैं कुछ बिल्लियां हैं, तो कुत्तों को मैं डी से डिनोट कर देता हूं, बिल्लियों को सी से, एक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है और एक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि सभी जानवर अगर बिल्लियां होती तो 7 बिस्किट खाती, तो इसको ब्रेक कर लेंगे 7+2 में, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि सभी 45 जानवर 7 बिस्किट खाएं, तो कितने बिस्किट खा जाएंगे, तो सभी 45 जानवर अगर 7 बिस्किट के हिसाब से खाएंगे तो कितने बिस्किट खा जाएंगे, तो 7 5 35, 5 बचेगा कितना 3,
और 7 × 6 = 28 और 31 315 बिस्किट। इसका मतलब खाए कितने हैं 395, तो सभी साथ काटे तो कम खपते कितने खपते 315, तो कितने बिस्किट एक्स्ट्रा खप गए, तो कितने बिस्किट एक्स्ट्रा खप गए भाई 80। ये 80 बिस्किट जो एक्स्ट्रा खाए हैं ये किसने खाए हैं, ये खाए हैं किसने 80 बिस्किट जो एक्स्ट्रा खाए हैं वो किसने खाए हैं, कुत्तों ने। और कितने बिस्किट के हिसाब से, 2 बिस्किट के हिसाब से। इसका मतलब अगर मैं कुत्तों की संख्या निकालूंगा तो कुत्तों ने 80 बिस्किट एक्स्ट्रा खाए हैं और एक कुत्ते ने 2 खाए हैं, तो कुत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी 40। कुत्तों की संख्या 40, तो बिल्लियों की संख्या निकालेंगे तो बिल्लियों की संख्या के लिए टोटल जानवरों की संख्या 45 में से और कुत्तों की संख्या को माइनस कर देंगे तो बिल्लियों की संख्या आ जाएगी 5। तो आंसर आ जाएगा हमारा 40.5 जो ऑप्शन सी पर है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, 40.5 यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे SSC बैंक रेलवे कंप्लीट एग्जामों में पूछे जाते हैं। आज के टाइप में हमने एक परसेंटेज से पूछे जाने वाले रूल ऑफ एलिगेशन पर आधारित क्वेश्चन पढ़े, जिसमें 4 क्वेश्चन हमने किए। इसके आगे एक और मिक्सर का टाइप होता है, कुछ मिक्सर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताजे फल और उससे रिलेटेड, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के लिए में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, घर पर रहें, सही रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय, टेक केयर।